हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। दोस्तों अगर आप लॉकडाउन के बाद कोई नई लेटेस्ट स्मार्ट टीवी लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 2020 की बेस्ट बजट स्मार्ट टीवी की लिस्ट, ताकि आप इजिली डिसाइड कर पाओ और आपको पता चल सके कि इस समय मार्केट में आपके पास कौन से लेटेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एक भी पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। और इसी के साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे नए वीडियोस की अपडेट्स जो है वो आपको मिलते रहें। और इसी के साथ में मैंने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है 500 लाइक्स का, जो कि मुझे लगता है कि आप सभी के प्यार से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप फटाफट से लाइक को भी क्लिक कर दो। और इसी के साथ में अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, मेरे सजेशन लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे टॉप में डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी जो है इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मिल जाएगी। तो ये सारी होगी प्रचार की बातें, आप फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है, 2020 का फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है और नॉर्मली इस समय तक बहुत सारी स्मार्ट टीवीज लॉन्च हो जानी चाहिए थी, लेकिन जो कंट्री में आउटब्रेक हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी स्मार्ट टीवीज के जो लॉन्च है वो फिलहाल के लिए पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। लेकिन गाइस फिर भी हमारे पास मार्केट में कुछ लेटेस्ट स्मार्ट टीवीज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चलिए एक एक करके सभी स्मार्ट टीवीज के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करेंगे 32 इंच स्क्रीन साइज के साथ में। तो अगर आप एक 32 इंच वाली स्मार्ट टीवी लेना चाहते हो और आपका बजट जो है वो 15,000 से कम है या फिर 11-12,000 रुपए है, तो ये स्मार्ट टीवी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन निकल कर आ सकती है। लेकिन कौन सी बताता हूँ, इस प्राइस रेंज में आपको व्यू की प्रीमियम स्मार्ट टीवी मिल जाएगी, जो कि 2020 में ही लॉन्च की गई है। और इस टीवी की खासियत ये दोस्तों कि इसमें आपको पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइस इस रेंज में आपको जो अदर स्मार्ट टीवीज मिलते हैं उनमें पिक्चर क्वालिटी उतनी खास नहीं देखने मिलती है, लेकिन इस टीवी में आपको पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी देखने मिलती है। और इसी के साथ में फुली फंक्शनल स्मार्ट टीवी है, इसमें आपको सभी टाइप के स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ वाईफाई सभी का सपोर्ट यहाँ पर मिलता है, 24 की स्पीकर्स मिल जाते हैं, एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी है। एंड इसी के साथ में इस टीवी में आप HD कंटेंट प्ले कर पाओगे। एंड इस टीवी की जो प्राइसिंग है वो है सिर्फ 11,000 रुपीज, और ये स्मार्ट टीवी आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। लेकिन इस टीवी के रिमोट में आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो अगर आपके लिए गूगल असिस्टेंट एक इंपॉर्टेंट फीचर है तो माइट भी ये स्मार्ट टीवी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन निकल कर नहीं आ सकती है, क्योंकि इस टीवी में वो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो इस केस में आपको दूसरा कोई स्मार्ट टीवी ढूंढना पड़ेगा। और अगर फिलहाल देखा जाए तो लेटेस्ट 2020 में ऐसी कोई भी बजट रेंज वाली स्मार्ट टीवी नहीं लॉन्च की गई है। अगर हम बात करें 2019 की, तो उस रेंज में आपके लिए सैन्यू की काइजन स्मार्ट टीवी अवेलेबल है, जो कि IPS पैनल के साथ में आती है और उसकी प्राइसिंग भी 11,000 रुपीज है। तो अगर आपको ये स्मार्ट टीवी नहीं चाहिए व्यू का, तो आप उसे कंसीडर कर सकते हो, वो स्मार्ट टीवी भी काफी अच्छी है। और नहीं चाहते हो तो उसके बाद आपको मोटरोला मिल जाती है, MI TV 4A मिल जाता है, तो आप उनको भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो है व्यू, उसके बाद आप सैन्यू की तरफ भी जाओ। और इसी के साथ दोस्तों कमेंट में ये जरूर बताना कि आपका बजट कितना है और आप किस स्क्रीन साइज की स्मार्ट टीवी लेना चाहते हो, ताकि मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर पाऊं। तो ये तो हो गई बातें 32 इंच स्क्रीन साइज के लिए, अब बढ़ते हैं हम इससे थोड़ा ऊपर 40 इंच की तरफ। तो गाइस इस रेंज में फिलहाल 2020 में कोई भी स्मार्ट टीवी लॉन्च नहीं की गई है, लेकिन अगर आपको फिर भी इस रेंज में कोई स्मार्ट टीवी लेनी है तो आपके लिए 2019 का व्यू का अल्ट्रा एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आ सकता है। लेकिन गाइस फिर से बता दूं कि व्यू के जितने भी 20,000 के अंदर स्मार्ट टीवी मिलते हैं उनमें किसी में भी आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो अगर आप इससे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो व्यू की स्मार्ट टीवी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन निकल कर आ सकती है, क्योंकि गाइस इनकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो काफी अच्छी निकल कर आती है। गाइस फिलहाल इस स्क्रीन साइज में आपके लिए कोई भी लेटेस्ट स्मार्ट टीवी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप फिर भी चाहते हो तो आप व्यू की अल्ट्रा एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी को कंसिडर कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम इससे थोड़ा ऊपर 43 इंच स्क्रीन साइज की तरफ। तो गाइस इस रेंज में आपको व्यू की प्रीमियम स्मार्ट टीवी मिल जाती है, जिसकी मैंने बात की थी 32 इंच वाले में, उसी का जो है नेक्स्ट पीरियड मिलता है 43 इंच स्क्रीन साइज के साथ में। इस टीवी में आप फुल HD रेजोल्यूशन तक के कंटेंट को प्ले कर पाओगे, 24 वॉट्स के स्पीकर्स मिलते हैं, बाकी सभी चीजें यहां पर सेम है। और इसकी प्राइसिंग भी जो है वो 20,000 के अंदर है, फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगी। पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है, साउंड भी यहां पर आपको काफी अच्छी मिल जाती है, एक अच्छे ब्रांड की तरफ से आती है। लेकिन इस टीवी में भी आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो यहां पर भी आपको उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बजट कम है, आपको इस प्राइस रेंज में एक अच्छी स्मार्ट टीवी चाहिए, तो गाइस मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा व्यू की स्मार्ट टीवीज को, क्योंकि इनकी जो टीवीज होती है वो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है, काफी अच्छी क्वालिटीज आपको देती है। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर 43
3 इंच स्क्रीन साइज में, लेकिन अब यहाँ पर हम बात करेंगे 4K स्मार्ट टीवी की। तो गाइस इस रेंज में आपको कुछ नए ऑप्शन देखने मिलने वाले हैं। तो जो पहला ऑप्शन निकल कर आता है वो है कोडैक की CA स्मार्ट टीवी। कोडैक ने इन स्मार्ट टीवी को लेटेस्ट 2020 में लॉन्च किया है और इन टीवीज की डिजाइन काफी अच्छी है, बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ में आती है। ओवरऑल जो बेजल्स होते हैं इन स्मार्ट टीवी से काफी थिन है, एंड इसी के साथ ये स्मार्ट टीवी सभी लेटेस्ट फीचर्स के साथ में आती है, जैसे कि HDR10, डॉल्बी विजन, व्हाइट कलर कैमरे, डॉल्बी ऑडियो, इस टाइप के सभी लेटेस्ट फीचर्स आपको इस स्मार्ट टीवी में मिल जाते हैं। और इसी के साथ में अगर बात करें पैनल की, तो ये स्मार्ट टीवी 500 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में आती है। ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी इस टीवी में काफी अच्छी है, और इस टीवी की जो प्राइसिंग है वो है सिर्फ 24,000 रुपीज। तो अगर आपका बजट 24,000 रुपीज और आपको एक 4K स्मार्ट टीवी चाहिए, तो कोडैक की CA स्मार्ट टीवी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आ सकती है। अब इस रेंज में जो नेक्स्ट ऑप्शन निकल कर आता है वो है व्यू की प्रीमियम 4K स्मार्ट टीवी। और ये स्मार्ट टीवी बेसिकली मैं सभी को रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि इस टीवी को मैंने पर्सनली यूज किया है और इसका रिस्पॉन्स जो है काफी अच्छा रहा है, और इसलिए मैं अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर को ये स्मार्ट टीवी रेकमेंड करता हूँ, और उनकी तरफ से भी स्मार्ट टीवी लेने के बाद बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई आए हैं, और इसलिए मैं इस स्मार्ट टीवी को सबको रेकमेंड करता हूँ। तो गाइस इस स्मार्ट टीवी में आपको सभी टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं, और आप एक तरीके से बोल सकते हो कि ये स्मार्ट टीवी इस प्राइस में एक बैलेंस स्मार्ट टीवी है। इसमें आपको सभी टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं, सभी चीजें यहाँ पर बैलेंस मिलती है, पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है, 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, डॉल्बी विजन, डॉल्बी ऑडियो जैसे सभी फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। 43 इंच वाले वेरिएंट में आपको 24 वाट के स्पीकर्स मिलते हैं, और इससे आप हायर वेरिएंट में जाओगे तो वहां पर आपको 30 वाट के स्पीकर्स देखने मिलने वाले हैं। और इसी के साथ में दोस्तों इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है, जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स होते हैं वो भी काफी अच्छे दिखते हैं इस टीवी में, एंड रैम एंड स्टोरेज कैपेसिटी भी इस टीवी की काफी अच्छी है। इस टीवी में आपको 2GB की रैम एंड 16GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, जो कि कोडैक की CA स्मार्ट टीवी में आपको सिर्फ 1.75GB की रैम मिलती है एंड 8GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। तो कई मामलों में जो कोडैक की CA स्मार्ट टीवी है वो व्यू की प्रीमियम स्मार्ट टीवी से पीछे रह जाती है। हालांकि मैंने इन दोनों ही टीवीज का कंपैरिजन वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर बना रखा है। इसी के साथ मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा, इस वीडियो में मैं किसी भी स्मार्ट टीवी की डिटेल स्पेसिफिकेशन नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने इन सभी स्मार्ट टीवीज की डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दी है। तो अब इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना डिसाइड करना है कि आपके रेंज में, आपके बजट में कौन सी स्मार्ट टीवी निकल कर आ रही है, और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर मैंने सभी टीवी का नाम दिया और उसके आगे लिंक मिल जाएगा, आपको जस्ट उस पर क्लिक करना, उसके बाद मेरी वीडियो आ जाएगी जहां पर आप उस स्मार्ट टीवी के बारे में डिटेल में जान सकते हो, और इसी के साथ में आप इन सभी स्मार्ट टीवीज के बीच में कंपैरिजन भी देख सकते हो, और उसके बाद आप फाइनली आराम से डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन निकल कर आने वाला है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि आता है वंस अगेन व्यू की तरफ से। तो इस रेंज में आपको व्यू की सिनेमा स्मार्ट टीवी मिल जाती है, जो कि 2020 में लेटेस्ट लॉन्च की गई है, और इस टीवी की डिमांड काफी ज्यादा हाई है, और इसलिए ज्यादातर ये टीवी आपको अमेजोन पर आउट ऑफ स्टॉक देखने मिलती है, और बहुत सारे सेलर्स जो है इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं, बेसिकली ब्लैक मार्केटिंग भी चालू हो चुकी है। लेकिन लॉकडाउन के बाद ये स्मार्ट टीवी फिर से स्टॉक में आने वाली है। तो अब चलिए जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो गाइस जैसा इसका नाम है व्यू सिनेमा स्मार्ट टीवी, तो ये स्मार्ट टीवी सिनेमा लवर्स के लिए काफी अच्छा ऑप्शन निकल कर आ सकती है, क्योंकि इस टीवी में साउंड और पिक्चर पर काफी ज्यादा फोकस किया है, जो कि सिनेमा लवर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव फीचर है। तो इस टीवी में आपको व्यू की पिक्सेलम टेक्नोलॉजी की पैनल मिल जाती है, जिसकी ब्राइटनेस 500 निट्स की है, एंड इसी के साथ टीवी के लोअर रीजन में आपको एक साउंड बार अटैच मिल जाएगा, जिसकी टोटल आउटपुट 40 वॉट्स की है, एंड यहां पर आपको डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट मिल जाता है। और अगर बात करें पिक्चर क्वालिटी की, तो इस टीवी में आपको जो ब्लैक कलर से वो और भी ज्यादा डीपर देखने मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका जो डार्क मूवी देखने का एक्सपीरियंस होता है वो काफी एनहांस हो जाएगा। तो इस टीवी का जो मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर है वो है इसके साउंड क्वालिटी एंड पिक्चर क्वालिटी, और इन चीजों पर ही फोकस करके इस टीवी को स्पेशली डिजाइन किया गया है। लेकिन इस टीवी में आपको सिर्फ 1.5GB की रैम मिलती है एंड 8GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जो कि मुझे लगता है कि इस टीवी का थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। लेकिन अगर आपका मेन एम सिर्फ टीवी को एंजॉय करना है, आपको टीवी में सिर्फ कंटेंट प्ले करके देखना है, तो उस केस में आपके लिए ये स्मार्ट टीवी एक बेस्ट ऑप्शन निकल कर आ सकती है। तो अगर आप बात करें 50 एंड 55 इंच स्क्रीन साइज की, तो जिन तीन टीवीज का मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया है, इन तीनों ही टीवीज के 50 एंड 55 इंच के वेरिएंट्स अवेलेबल है, और सबके स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन निकल कर आ रहा है आपके बजट के हिसाब से। स्पेसिफिकेशन जो है वो सभी वेरिएंट्स के सेम है, बस जो है साइज का फर्क देखने मिलता है। अब दोस्तों अगर आपका बजट जो है 50,000 के आसपास है, और आपको इस रेंज में एक ऐसी स्मार्ट टीवी चाहिए जिसमें आपको सभी टाइप के लेटेस्ट फीचर
फीचर्स भर भर के मिले तो उस केस में आपके लिए TCL की C8 स्मार्ट टीवी एक बेस्ट ऑप्शन निकल कर आ सकती है। जी हाँ गाइस, TCL ने इस ईयर यानी 2020 में अपनी TCL C8 स्मार्ट टीवी सीरीज को लॉन्च कर दिया है और यहां पर आपको दो वेरियंट देखने मिलते हैं, 55 इंच एंड 65 इंच। हालांकि जो 55 इंच वाला वेरियंट है वो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, लेकिन जो 65 इंच वाला वेरियंट है वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है और उस रेंज में अगर आप जाओगे तो आपको सैमसंग LG के कुछ बेहतरीन स्मार्ट टीवी मिल जाएंगे। लेकिन अगर बात करते हो 50,000 के बजट में तो आपके लिए 55,000 वाला स्मार्ट टीवी एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आ सकता है। बात करें यहां पर स्पेसिफिकेशन की तो गाइस सबसे पहले ये स्मार्ट टीवी AI बेस्ड स्मार्ट टीवी है, तो आप इस टीवी के थ्रू आपके घर के जितने भी IoT डिवाइसेस हैं उन सभी डिवाइसेस को आप अपने टीवी के थ्रू कंट्रोल कर पाओगे और इसी के साथ इस टीवी में आपको डायरेक्ट वॉइस कमांड का सपोर्ट देखने मिलता है। यानी कि यहां पर आपको रिमोट को लेकर वहां पर कमांड देने की जरूरत नहीं है, आप विदाउट रिमोट आपके टीवी को डायरेक्ट कमांड दे सकते हो और आपके जितने भी होम अप्लायंसेस हैं उन सभी को कंट्रोल कर पाओगे, आपके टीवी को बेसिकली कंट्रोल कर पाओगे। एंड अगर बात करें इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी की तो गाइस पिक्चर क्वालिटी इस टीवी की काफी अच्छी है। इसी के साथ में यहां पर आपको ऑनक्यू पावर्ड स्पीकर्स मिल जाते हैं जहां पर जो आपको आउटपुट मिलती है वो है 30 वॉट्स की। एंड इसी के साथ इस टीवी में आपको सभी टाइप के लेटेस्ट फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन गाइस अगर आप इस स्मार्ट टीवी को लेना चाहते हो तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप आपके नियर बाय शॉप में विजिट करिए और वहां पर ये स्मार्ट टीवी डेफिनेटली अवेलेबल होगी एंड आप खुद जाकर इस स्मार्ट टीवी को पर्सनली एक्सपीरियंस करो और देन डिसाइड करो कि क्या ये स्मार्ट टीवी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आ सकती है या फिर नहीं। और इसी के साथ दोस्तों लॉकडाउन के बाद रियलमी स्मार्ट टीवी भी लॉन्च होने वाली है, उनकी प्राइसिंग काफी एग्रेसिव होगी ये मैं पहले से ही बोल सकता हूं। और इसके बाद नोकिया भी अपना एक 43 इंच वाला वेरियंट लाने वाला है एंड ये दो स्मार्ट टीवी डेफिनेटली लॉन्च होने वाला है। कंपनी की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल चुकी है लेकिन अभी तक डेट सामने निकल कर नहीं आई है। तो फिलहाल के लिए इन स्मार्ट टीवी के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं क्योंकि अभी तक इनकी एग्जैक्ट प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशन हमें नहीं पता है। तो जब ये स्मार्ट टीवी लॉन्च होंगे तो हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले डिटेल वीडियो मिल जाएगी। अगर आप इन टीवीज में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको अपडेट मिल जाए। तो गाइस ये थे सभी स्मार्ट टीवीज जो कि 32 इंच स्क्रीन साइज से लेकर 55 इंच स्क्रीन साइज तक आपको मिल जाते हैं। ये सभी स्मार्ट टीवीज लेटेस्ट लॉन्च की गए हैं और सबकी प्राइसिंग जो है वो 50,000 के अंडर है। अब दोस्तों यहां पर सैमसंग की फन बिलीवेबल स्मार्ट टीवी भी थी लेकिन गाइस मुझे नहीं लगता कि उस स्मार्ट टीवी को इसमें इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि उसके जो फीचर्स है वो बहुत ही बकवास है एंड उसको इंक्लूड नहीं करना ही बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि मार्केट में कौन से बेस्ट स्मार्ट टीवी अवेलेबल है और अब आप फाइनली डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा स्मार्ट टीवी बेस्ट होने वाला है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।